इस क्वेश्चन को देखिए, अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू 2a + 3b - ab है, तो यहाँ पर 3 स्टार 5 + 5 स्टार 3 का वैल्यू क्या होगा वो पूछा गया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर ए स्टार बी को जैसे लिखा गया है, 3 स्टार 5 को भी वैसे लिखेंगे, 5 स्टार 3 को भी वैसे लिखेंगे। लिख के इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 का मतलब है ए, 5 का मतलब है बी, ठीक है। यहाँ पर 5 का मतलब है ए और यहाँ पर 3 का मतलब है बी, ठीक है। समझ में आ रहा है, ए स्टार बी को जैसे लिखा गया है, 3 स्टार 5 को भी वैसे लिखेंगे पहले, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2a = 2 × 3, ठीक है, प्लस 3b = 3 × 5, ठीक है, माइनस ab = 3 × 5, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, प्लस यहाँ पर प्लस है ना, तो इसलिए प्लस हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2a यहाँ पर 2 × 5 हो जाएगा, 2 × 5 पहले, प्लस यहाँ पर 3b = 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस ab यहाँ पर 5 × 3 हो जाएगा, ठीक है, 5 × 3 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 15 और यहाँ पर भी 15, ठीक है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 15, ठीक है। समझ में आ रहा है, 6 + 15 - 15, ठीक है, इस साइड पर प्लस इस साइड पर 10 + 9 - 15, ठीक है। तो ये प्लस 15 - 15 कट जाएगा, यहाँ पर रहेगा सिर्फ 6, ठीक है, प्लस यहाँ पर 10 + 9 - 15, ठीक है। तो इन नंबर्स को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 16 + 9 = 25, 25 - 15 हो जाएगा, तो 25 से 15 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 10, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर x का वैल्यू 15 है, तो यहाँ पर x^4 - 15x³ का वैल्यू क्या होगा वो पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू है 15, x का वैल्यू 15 का मतलब क्या है, 15 का वैल्यू x ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर 15 = x ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए x^4 है माइनस यहाँ पर 15 है, 15 का मतलब क्या है x, ठीक है, तो हम लिख देंगे x। x का मतलब क्या है, x^1 लिख सकते हैं, ठीक है, तो x^1 का मतलब x ही होता है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर x³ है, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो इस साइड पे हो जाएगा x^4 माइनस यहाँ पर x^1 + 3 = x^4 - x^4, तो ये काटेगा तो ये पर 0 आ जाएगा, तो मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है, बहुत इजी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर x का वैल्यू है 5, तो ये पर x³ - 5x + x² का वैल्यू क्या होगा वो पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये पर x का वैल्यू है 5, तो मतलब 5 का वैल्यू x, ठीक है, ऐसे तो लिख सकते हैं हम। तो देखिए ये पर x³ - 5x, मतलब 5 का मतलब है x, x हो जाएगा x इंटू यहाँ पर ऑलरेडी x है, ठीक है, प्लस यहाँ पर x² है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर x³ - x × x = हो जाएगा, ठीक है, प्लस x², ठीक है, तो -x² + x² कट जाएगा, तो बाकी रहेगा सिर्फ x³, ठीक है। x का वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ पर x³ = 5³ = 125 आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए, अगर x का वैल्यू है 7, तो यहाँ पर x^5 - 8x^4 + 8x³ - 8x² + 8x + 8 का वैल्यू क्या होगा वो पूछा गया है। जब भी इसी टाइप का क्वेश्चन आपको सामने मिलेगा, शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो x का वैल्यू दिया हुआ है 7, ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर रहेगा, मतलब यहाँ पर 8, ये देखिए 8 है यहाँ पर सब, तो यहाँ पर 7 का नेक्स्ट नंबर अगर 8 होगा, इस कंडीशन में ये बहुत ईजी हो जाता है। क्या करना है, यह तक भूल जाना है, ठीक है, यहाँ से यह तक भूल जाना है। बाकी क्या लेना है, यहाँ पर x को लेना है, x लेंगे प्लस 8 को लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 7, प्लस 8 कर देंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर p + q = 10 है, pq = 5 है, तो यहाँ पर p/q + q/p का वैल्यू पूछा गया है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका वैल्यू पूछा गया है, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर LCM हो जाएगा नीचे pq, ठीक है, pq LCM हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा p² + q², ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए ऊपर अगर p² + q² है, तो यहाँ पर क्या है, a² + b² का फॉर्मूला क्या है, a + b² - 2ab, ठीक है, तो ये है a² + b² का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर p² + q² भी सेम हो जाएगा, तो इजिकल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पर p + q² - 2pq हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे pq है, ठीक है, तो p + q का वैल्यू क्या है 10,
टेन स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू इंटू पी क्यूब का वैल्यू है फाइव, ठीक है, नीचे हो जाएगा पी क्यूब का वैल्यू फाइव, ठीक है, ऊपर आ जाएगा हंड्रेड माइनस टेन, नीचे फाइव, तो हंड्रेड से टेन माइनस करेंगे तो ये पर नाइन्टी आएगा, नीचे फाइव, ठीक है, नाइन्टी को फाइव से डिवाइड करेंगे तो एटीन आ जाएगा, ठीक है, तो मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा एटीन, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए, x डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू इजिकल टू वन बाई सिक्स है, तो यहाँ पर x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू पूछा गया है। पहले यहाँ पर ये ऊपर वाले इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस साइड पर हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू इजिकल टू सिक्स एक्स, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इजिकल टू सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, ठीक है, इजिकल टू सिर्फ x रहेगा, ठीक है, तो ये फाइव एक्स इस साइड पे जाएगा तो माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, तो मतलब टू एक्स स्क्वायर से यहाँ पर टू अगर कॉमन लेंगे तो ये पर एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, इजिकल टू x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू हो जाएगा x डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू है x बाई टू, ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x प्लस वन का वैल्यू पूछा गया है, x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, तो देखिए ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे है x, एक्स स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू क्या है x बाई टू, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा x डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, नीचे हो जाएगा x, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर x x डिवाइडेड बाई टू इंटू नीचे x है, ठीक है, नीचे x है, तो ये एक्स कट जाएगा, तो मतलब यहाँ पर हाफ आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर x प्लस वन बाई एक्स इजिकल टू फाइव है, तो x डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा वो पूछा गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो इक्वेशन है x प्लस वन बाई एक्स इजिकल टू फाइव, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर नीचे एलसीएम हो जाएगा x, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इजिकल टू फाइव, ठीक है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन इजिकल टू कितना है फाइव एक्स, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू है यहाँ पर फाइव एक्स, ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर में x है, नीचे वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर को आगे लिखेंगे, प्लस वन लिखेंगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद एक्स लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, इजिकल टू ऊपर हो जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू क्या है फाइव एक्स, तो फाइव एक्स लिख देंगे, प्लस ऑलरेडी यहाँ पर एक्स है, ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर हो जाएगा एक्स, नीचे हो जाएगा सिक्स एक्स, ठीक है, तो ये एक्स कट जाएगा, तो मतलब यहाँ पर वन बाई सिक्स आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन को अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन को आपको फिर से समझने का, ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इस टाइप का और भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।